ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? जी, ईद का तोहफा। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत है ये, आपने खुद पसंद किया है क्या? जी जी। ईद मुबारक डैड। खैर मुबारक बेटे। ये लो, तुम्हारी ईदी। रहने दे डैड। मानता हूं कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए कि अपने बड़ों से ईदी ना लो। मैं भी अभी भी अम्मा जी से मांग के ईदी लेता हूं। सॉरी, किस बात पे? वो मैं दिली दिल में आपसे नाराज था। दिली दिल में थे ना, क्योंकि इससे ज्यादा मैंने तुम्हें कभी नाराज रहने ही नहीं दिया है। माशाल्लाह, आज तो दोनों बाप बेटे एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा था ना शाजिर, शामीर तो गैरों को नाराज नहीं देख सकता, तो अपने लाडले बेटे को कैसे नाराज देख सकता है? वैसे मैं अभी भी अपने फैसले पर कायम हूं। जब तक मैं मुतमईन नहीं हो जाता, तुम किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। ठीक है डैडी, आप जितना चाहें तसल्ली कर लें। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को पता ना चले कि हम उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। मुझे शर्मिंदगी होगी। जी जी, डोंट यू वरी। शाजिर बेटा, शामीर की बिजनेस की समझबूझ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगी कि जब तक तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, तुम रोजाना शामीर के साथ ऑफिस चले जाया करो। मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ये बस अम्मा जी की तजवीज है। वैसे अगर तुम ऑफिस नहीं आना चाहते, दैट्स एंटायरली योर डिसीजन, तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। यानी मुझे आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे तो बल्कि खुशी होगी कि मैं आपके साथ कुछ दिन बिताऊं और आपके एक्सपीरियंस से कुछ गेन कर सकूं। अम्मा जी प्लीज। थैंक यू। प्लीज, नहीं नहीं।
छोकरा, सूप लाओ मेरा। अम्मा बेगम मैं ला रही हूँ। मैंने तुम्हें नहीं कहा, सुगरा मेरी डाइट जानती है, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने दिन में तो मुझे भी अंदाजा हो गया है कि आज आपने टमाटर सूप पीना है, इसलिए आज मैंने आपके लिए बनाया है। तुम्हें पता भी है टमाटर सूप बनाते कैसे हैं? हैं? पता नहीं क्या गंद खोल के मेरे आगे रख दोगी। और सुनो लड़की, ये पिछले चंद दिनों में शामीर ने ईद वगैरह की वजह से घर में ज्यादा वक्त गुजारा है, उसका पूरा फायदा उठा के तुम खूब उसके सामने आगे पीछे घूम ली और अपनी कारकर्दगियां दिखा ली, लेकिन मेरे सामने ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ड्रामों से मुतासिर नहीं होती। मैं तो सिर्फ बस कह दिया, अब पुरानी रूटीन शुरू होगी। मैं तुम्हें बिला जरूरत घर में मंडलाते ना देखूं। अपने कमरे तक महदूद रहो जो तुम्हें दिया गया है। सुगरा, सुगरा बहरी हो गई हो क्या? लाओ सूप। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं चाहता हूँ कि वो तो मेरे साथ अटेंड करो। श्योर डैड, मैं भी ये चाहता हूँ कि कम से कम वक्त में आपसे ज़्यादा सीख सकूँ। कम से कम वक्त में? क्यों भाई, कहीं डर तो नहीं कि मैं मरने वाला हूँ? कम ऑन डैड, कैसी बातें कर रहे हैं? हकीकत की बात, आखिर मौत ही जिंदगी का तो सच है। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो बहुत यंग हैं, लोग आपको मेरा भाई समझते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है बेटे, मौत ने उम्र का लिहाज कभी नहीं किया। आखिर तुम्हारी मां की एज ही क्या थी? खैर ये सारी बातें छोड़ो, ये देखो प्रोजेक्ट डिटेल्स। आज जो हम मीटिंग अटेंड करने वाले हैं उसमें इसी पाई चार्ट की सारी डिस्कशन होनी है। अब हमारा शहर जो है वो कलर कोडेड है, तो अगर यहाँ गौर से देखोगे आज मेरी परनिया का मुंह क्यों लटका हुआ है? और हो गई हूँ मैं, इतनी लंबी छुट्टियां कब खत्म होंगी? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो अपनी सहेलियों को यहाँ बुलवा लो या फिर उनके घर चली जाओ। मेरी तो सारी फ्रेंड्स वेकेशन स्टार्ट होते ही अपनी फैमिली के साथ घूमने चली जाती हैं और मैं हर साल छुट्टियाँ घर पर गुजारती हूँ। डैड भी तो कभी आउटिंग या डिनर के लिए नहीं जाते। हम कुछ घर में भी तो ऐसा कर सकते हैं ना जिससे तुम्हारा दिल बहल जाए, है ना? पता है जब मानो होती थी ना तो उसके साथ बड़ा मज़ा आता था। वो सारी गेम्स खेलती थी जो आपने मुझे उस दिन बताई थी। ये सारी गेम्स मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ तो खेली नहीं क्योंकि उन्हें आती ही नहीं थी, और जब मानो चली गई तो मैं बहुत बोर हो रही हूँ। तो क्या हुआ, मुझे भी तो ये सारे खेल आते हैं, हम दोनों खेलते हैं। तो फिर हाइड एंड सीक खेलते हैं। क्या? ओहो, वही जिसे आप छुपन छुपाई कहते हैं। लेकिन पहले मैं छुपूंगी और आप मुझे ढूंढेंगे।
यहाँ भी तो छुपने की जगह ही नहीं है। चले अंदर चलते हैं। आज जाना मकई का दाना, राजा जी की बेटी आ रही है, आ जाओ। नहीं अभी नहीं आना। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा जी की बेटी आ रही है, आ जाओ। एक मिनट, बस एक मिनट। लुक छुप जाना मकई का दाना, राजा जी की बेटी आ रही है, आ जाओ। छुप गई। हाँ आ जाए। किसी काम की नहीं रही तुम, लगता है मुझे हाउसकीपर रखनी पड़ेगी। नहीं अम्मा बेगम, वो इस कमरे में अगर दीमक लग गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो नजर रखनी चाहिए थी ना तुम्हें। मैं इस हाल में व्हीलचेयर लेके घर के एक एक कोने का जायजा लेती हूँ। तुम्हें पता है कितनी कीमती किताबें शमीर की स्टडी में? रातों रात तो दीमक नहीं लग गई थी ना, अब कल बुलवाओ कारपेंटर को ताकि वो देखे कि कितना हमला हुआ है दीमक का। जी अम्मा बेगम। कहां कहां लकड़ी बदलनी पड़ेगी सारी, मुसीबत। तरखान कितने पैसे लेगा अब? ए लड़की, क्या कर रही हो तुम यहाँ? हैं? वो अम्मा बेगम, परनिया बीबी को मैं, ये परनिया का रूम है क्या? हैं? बेवकूफ बना रही हो मुझे? देख लो तुम्हारी लापरवाही का एक और सबूत। स्टोर रूम का दरवाजा खुला रखा है तुमने ताकि जिसका दिल चाहे यहां से जो मर्जी चाहे आके उठा ले। नहीं अम्मा बेगम। तुम चुप रहो, तुम्हारी दूसरी चोरियों के सबूत मेरे पास हैं। हर दफा मासूम बनके निकल जाती,
इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ से मोहतात ना रहूं। और तुम्हें तो मैंने आज सुबह बहुत सख्ती से वार्निंग दी थी कि अपने कमरे में ही रहा करो। मैं अगर चलने फिरने से माजूर हूं इसका ये मतलब नहीं कि तुम सारे घर में दनदनाती फिरो। मैं ये घर इतने सालों से ऐसे ही नहीं चला रही, ये मेरी बेटी का घर था, उसकी जन्नत, इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत मैं अपना फर्ज समझ के करती हूं। मैं इस घर को तुमसे बचा के रखूंगी और शामीर को भी। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और आइंदा इस घर में मुझे तुम घूमती फिरती नजर ना आओ। तुम क्या खड़ी देख रही हो, बंद करो तो कमरा, ताला लगाओ। तुम्हें बहुत अच्छा किया जो शाज़िर को अपने साथ ऑफिस ले गए हो। एक्चुअली ये डिसीजन तो शाज़िर का खुद का था। यू नो माय स्टाइल, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता। पर हाँ, बाप होने के नाते मैं उसे गाइड जरूर करूंगा। इंशाल्लाह एक बार वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो शायद उसके लिए कुछ शुरू भी कर दूं। तुम एक आइडियल फादर हो शामीर। आइडियल फादर का तो पता नहीं, पर हाँ आइडियल हस्बैंड जरूर था। था? तुम अभी भी किसी के हस्बैंड हो। आइडियल हो या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, तुम्हारी वाइफ ही बताएगी। हाँ, श्री हमेशा कहती थी कि मैं एक आइडियल हस्बैंड हूँ। तुम बार बार भूल जाते हो और मैं तुम्हें बार बार याद दिलाती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में किसी और का वजूद भी है। और मैं भी तुमसे बार बार कह चुका हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो फैसले जल्दबाजी में जज्बाती होकर लिए उनके बारे में मुझे याद मत दिलाओ। सफीना, वो एक रिश्ता नहीं है। रिश्ते तो प्यार से बनते हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महज एक जिम्मेदारी, और मैं उसे निभा रहा हूं। तुम उसके जिक्र से इतना भागते क्यों? मैं कभी किसी चीज से नहीं भागता। शामी, तुम जिंदगी में पहली बार भाग रहे हो, एक हकीकत, एक जिंदा वजूद से। और तुम्हें पता है इंसान कब भागता? जब उसे डर हो कि वो किसी के सामने हार जाएगा। फिर आज का दिन बहुत अच्छा था और आपने सही कहा था कि मुझे कुछ अर्सा डैड के साथ गुजार के काम को सीखना चाहिए। बिजनेस ट्रिक्स तो इंसान कहीं से भी सीख सकता है, लेकिन लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है और सिचुएशन कैसे देखी जाती है ये तो डैड ही सिखा सकते हैं मुझे। नहीं, आपने बुलाया नहीं सर? जी मैं गई थी उनके कमरे में लेकिन वो वहाँ थी नहीं। मैंने सोचा वो यहीं कहीं होंगी। जाके देखो अच्छी तरह से। जी अम्मा बेगम।
लानो आपने फिर से अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लिया, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? कितना ख्याल करूं, कितना परहेज करूं, कितनी दवाइयां खाऊं? तुम्हारे डैड ने जो चलता फिरता अजाब मेरे सर पे ला के रख दिया है ना, कनीज और उसकी बहन, जब उन्हें देखती हूँ तो मेरा खून खौलता है। या नानो चिल किया करे, इग्नोर करना सीखे जैसे मैं करता हूँ। मैं क्या करूँ, तुम्हें समझ नहीं आती, वो लड़कियां मुझे नजर भी आ जाए। अम्मा बेगम, पनिया बीबी अपने कमरे में नहीं है, बल्कि पूरे घर में नहीं है। क्या मतलब कमरे में नहीं है? रात के 9:30 बज रहे हैं, कहाँ जा सकती है? अच्छी तरह देखना था, कनीज के कमरे में ना बैठी हो। नहीं अम्मा बेगम, मैं उनसे भी पूछ आई हूँ। कहाँ है परनिया? मैंने तो शाम से उसे नहीं देखा, आपने जब से कमरे से निकलने से मना किया मैं तो कमरे में ही थी। या नानो, मैं उसे लॉन में देख के। ऐसा कैसे हो सकता कि कहीं नहीं मिल रही है? चलो मैं खुद जाके ढूंढूंगी, कमरे कहीं के किसी काम के नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? परनिया कहाँ है अम्मा जी? बेटा पिछले 1 घंटे से हम उसे तलाश कर रहे हैं, घर का कोना कोना छान मारा, यहाँ तक हमने तो आस पड़ोस में भी पता कराया, पता ही नहीं चल रहा बच्ची कहाँ चली गई। ये कमाल की बात है अम्मा जी, परनिया गायब और यहाँ किसी को फिक्र ही। अरे याद आया, आखिरी बार इससे मैंने परनिया का नाम सुना था। बताओ कहाँ है, तुम्हारे साथ थी ना दोपहर में। लड़की क्या तुम जानती हो परनिया कहाँ है? हम लोग खेल रहे थे और फिर वो छुप गई। छुप गई? खेल रही थी? तुम बच्ची हो जो उसके साथ खेल रही थी? कहाँ है, कहाँ छुपाया उसे? मुझे नहीं पता, मैं उसे ढूंढ रही थी लेकिन आपने मुझे कमरे में भेज दिया। अच्छा आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था, कहाँ देखा था? हाँ, उसकी ऊपर से आवाज आई थी। स्टोर रूम चेक किया है? तो फिर खड़ी क्यों हो, जाके स्टोर रूम खोलो।
ये स्टोर रूम है या कबाड़ खाना? नीचे पन्निया, पन्निया बेटा उठो बेटा, हेल्प मी, हेल्प मी, आ जाओ आराम से, ड्रॉप योर हेड आराम से, ये आ जाओ। अरे डॉक्टर के आने में बहुत वक्त लगेगा, इसे अस्पताल लेके जाओ। थोड़ा पानी देना। पानी। पन्निया। ये अल्लाह ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? ये ठीक तो है ना शामिर? पन्निया, पन्निया उठो बेटी। डैड पानी। यार गर्मी लग गई हो ज्यादा। पन्निया। बेटी? परी? परी बेटी? परी उठो? बेटी? उठो? ये कम ऑन गुड गर्ल, उठो, शाबाश शाबाश। पन्निया क्या हो गया था बेटा? डर गई होगी और घुटन की वजह से बेहोश हो गई होगी। शाबाश बेटी, उठो उठो। शाबाश। No, she's fine, Dad. She's all right. पानी पियो। You feeling okay? सोरा जूस लेकर आओ बच्ची के लिए, जाओ जल्दी जाओ। नानू इसको मैं रूम में लेके जाता हूँ और यातायातन डॉक्टर को फोन कर ले, चेक करवाओ। ठीक हो बेटा? परनिया ना बच्चा आ जाओ। क्या हो गया मेरी परनिया? जान को ठीक हो? जान शाज़र ख्याल से? हाय शुक्र खुदा का ठीक है बच्ची। नहीं अम्मा जी, इतनी लापरवाही, इतनी गफलत, अगर कुछ देर और हो जाती तो खुदा ना खास्ता उस कमरे में ना करे। मगर ये सब हुआ कैसे? इस घर में इतने सारे लोग हैं और सब लाइल थे कि इतने घंटों से पन्निया गायब है। इससे पूछो, यही इन सब चीजों की जिम्मेदार है, इसी ने उकसाया होगा इस हरकत के लिए। क्या ये सच है लड़की? क्या तुमने परी से कहा कि वो जाकर स्टोर रूम में छुपे, अलमारी में छुपे? नहीं मैंने तो कुछ झूठ मत बोलो। तुम उसके साथ खेल रही थी, तुमने ही उसे वहां बंद किया होगा। बल्कि शामिर मेरा तो ख्याल है कि इसी ने स्टोर को लॉक किया था। मैंने इसे दोपहर को वहां मंडलाते हुए देखा था स्टोर के पास। इसकी घबराहट से मुझे शक तो हुआ था, मगर मुझे क्या पता था कि क्या गुल खिलाने वाली है। तुम करना क्या चाहती हो? मेरी बेटी ने, मेरी मासूम सी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसकी जान क्यों लेना चाहती हो? मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? तुमने उसके साथ आंख मिचोली खेली थी या नहीं? तुमने उसे छुपने को कहा था या नहीं? जी मगर। और शाम में तुम्हें बिला मकसद स्टोर रूम के बाहर खड़े देखकर टोका था कि नहीं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कितनी ढिटाई से अपना जुर्म का एतराफ कर रही हो। मेरी मासूम सी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें तहफ्फुज़ देने के लिए, तुम्हारा सर ढांकने के लिए, तुम्हारे बाप को जिल्लत से बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? और ऐसा सिला दिया तुमने? ये कमज़ात लोग कम ज़र्फ होते हैं। आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी के करीब नहीं देखना चाहता।
अम्मा जी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। तुम्हें अपने कमरे तक महदूद रखना चाहिए था, लेकिन गलती मेरी थी, छूट मैंने दे दी। लड़की, इस बार ये गलती माफ कर देता हूं, लेकिन आइंदा अगर ऐसी गलती हुई ना। मुझे एहसास हुआ श्री कि ये मेरे लिए कितनी कीमती है। मैं तुम्हारी हर याद को, हर निशानी को दीवानों की तरह प्यार करता हूं। तो फिर इस जीती जागती निशानी से गाफिल कैसे हो? मेरी अब तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप सारी रात मेरे साथ थे। मेरी बेटी, सुगरा, तुम्हें पता है कि कल शाम ये परनिया के पास बैठा रहा। हम लोग वहीं पागल हो रहे थे, सोच रहे थे कि वो उसे प्यार नहीं करता। बाप है आखिर उसका। जी अम्मा बेगम, आपको पता है सारी रात बेड पे ही बैठे रहे उसके साथ, और फिर बहुत परेशान भी हो रहे थे, बस अभी अभी ऑफिस गए हैं। अच्छा तुम यूँ करो, जाके देखो उसे कुछ खाने पीने को चाहिए। जी अम्मा बेगम। ए लड़की, इधर आओ। तुम फिर उसके पास जा रही हो? मैं तो उसके लिए ये चॉकलेट वाला दूध लेके जा रही थी, पसंद है उसे।
तुम्हारे अंदर खुददारी और अना नाम की कोई चीज है? कल सबके सामने शामीर ने तुम्हें धमकी दी थी कि खबरदार तुम आइंदा परनिया के पास गई, और आज मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं कि तुम आइंदा मेरे बच्चों के करीब मत मंडलाओ। मैं तो बस उसका हाल पूछने गई थी, वो भी खुद उसने फरमाइश की थी। वो तो बच्ची है, वो क्या जाने कि तुम किस तरह के जाल बुन रही हो उसके गिर्द। वो तो शुक्र है कि तुम्हारा असल चेहरा शामीर के सामने आ गया। अब क्या चाहती हो तुम कि तुम्हें धक्के देके इस घर से निकाले हैं? अगर तुम्हें जरा सी भी इज्जत है ना, तो अपना मुंह लपेट के इस घर से निकलो वो दिन आने से पहले। क्या कसूर है इसका? मेरी बहन को क्यों निकालेंगे घर से? तुम चुप रहो, ये हमारा आपस का मामला है। कौन सा आपस का मामला है आपका? जब आप उसे अपना ही नहीं मानती तो आपका उसके साथ कौन सा आपस का मामला हुआ? रात को जो उसके उसके शौहर के दरमियान में हुआ ना, वो उसका आपस का मामला है। फिर वो चाहे झगड़े, चाहे लड़े, चाहे एक दूसरे को मनाए, आप क्यों खामखा बात को बढ़ा रही हैं? बात को मैं बढ़ा रही हूँ तो चुप कर जाओ बाजी। तुम चुप करो, ये सब कुछ ना तुम्हारी खामोशी की वजह से होता है। जिसका जो दिल करता है आखिर बोल के चला जाता है। शामीर भाई तुम्हारे शौहर है, वो तुम पर गुस्सा करे खैर है, कनीज इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे और चला जाए। चलो यहाँ से। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो